बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इमरान खान ने भक्कर जलसे से खिताब करते हुए कहा है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई को अवाम फेंटा लगाएंगी, क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को मुल्तान भजवा दिया है ताकि चोरों को ज़िमनी इलेक्शन जीतने में मदद दे सके। सवाल ये है कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई कौन है? क्या ये इतने ताकतवर हैं कि इलेक्शन में धांधली कर सकें, और क्या ये इतने कमज़ोर हैं कि अवाम से फेंटा भी खा लें? नाज़रीन, पिछली वीडियो में हम आपको तफसील से बता चुके हैं कि मिस्टर एक्स कौन है। डॉक्टर यास्मीन राजता ने वाज़े अल्फाज में आईएसआई के सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर राशिद पर प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगाया है, जो लाहौर में नून लीगी उम्मीदवारों की दरपर्दा हमायत कर रहा है। डॉक्टर यास्मीन राजता के इस इल्ज़ाम पर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। अलबत्ता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा, जो कि इन दिनों सऊदी अरब में हज की अदायगी के बाद कराची वापस लौटे हैं और कराची में सलाबी सूरत हाल के मुतल्लिक ब्रीफिंग ली है, चंद दिन पहले उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई थी कि पाक फौज के जवानों को किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा लेने से मना कर दिया गया है। अब सवाल ये है कि ये मिस्टर वाई कौन है जिसे मुल्तान भेजा गया है? तो जनाब, पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट मिस्टर वाई का नाम सामने ले आए हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का कहना है कि मिस्टर वाई दरअसल ब्रिगेडियर तनवीर की तरफ इशारा किया गया है, जिसे टास्क दिया गया है कि मुल्तान रीजन में चोरों को ज़िमनी इलेक्शन जीतने में मदद दी जा सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ इतना ऊपर चला गया है कि नून लीग के हमायती चैनल जियो न्यूज़ ने एक सर्वे करवाया है जिसके नताइज इंतहाई ख़तरनाक सामने आए हैं। इमरान खान पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में वाज़े अक्सरियत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए जियो न्यूज़ ने ना तो सर्वे के नताइज नशर किए हैं और ना ही दोबारा सर्वे करवाने की कोई कोशिश की है। जबकि इमरान खान के भक्कर और लैया के जलसों में अवाम ने इतनी कसीर तादाद में शिरकत की है कि एक तारीख रकम कर दी है। आज तक मुल्तान रीजन में इतने बड़े जलसे किसी पार्टी ने भी नहीं किए जितने बड़े जलसे इमरान खान अकेले ने कर दिखाए। शायद यही वजह है कि हुकूमत ने 17 मई के इंतखाबात में खातर खा कामयाबी हासिल करने के लिए हाथ पांव मारना शुरू कर दिए, जिसके लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तेल की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। लेकिन तेल की कीमतों में कमी में शहबाज शरीफ का कोई किरदार नहीं है, क्योंकि तेल की कीमतें आलमी मंडी में ही कम हो रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $128 फी बैरल से कम होकर $98 फी बैरल तक आ पहुंची है। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत यहां भी अवाम के साथ मजाक करेगी। अंदाज़ा है कि 15 जुलाई तक 20 रुपए फ़ी लीटर कमी कर दी जाएगी ताकि 17 जुलाई के ज़िमनी इंतखाबात को कैश किया जा सके। ज़िमनी इंतखाब गुजर जाने के बाद दोबारा से तेल की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी और इस बार 30 रुपए लेवी टैक्स लगाया जाएगा, जो कि हुकूमत IMF से मुआहदा कर चुकी है। यूं 20 रुपए कमी करने के बाद 30 रुपए लेवी टैक्स लगाया जाएगा और आवाम की आंखों में धूल झोंकी जाएगी।